हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो राहुल के बारे में होने वाली है। तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है राहुल के साथ, क्या कहानी रहती है क्या नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चुपचाप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है ये कहानी है राहुल की। राहुल की अभी नई नई जॉब लगती है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो होते हैं ना उसकी पोजीशन पे उसकी नौकरी लगती है और उसको पोस्ट मिलती है देहरादून का मसूरी। देहरादून के पास जो मसूरी है वहां पे उसको पोस्ट मिलती है। अब जब वो पहले दिन वहां काम करने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है अजय से, यानी कि वो दो लोगों की जॉब लगती है। उन दोनों को पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का काम करना होता है वहां पे। और बेसिकली उनका काम क्या रहता है कि रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक उनको वहां की जो भी गतिविधियां हो रही है पैरानॉर्मल वो सारी नोट करनी होती हैं और अच्छी तरीके से वहां पे संरक्षण मतलब सब कुछ जांच करनी होती है बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब नौकरी पूरी रात की थी यार, तो दोनों ने 4-5 दिन किया ऐसा काम, तो दोनों ही काम नहीं कर पा रहे थे ना, तो दोनों सो ही पा रहे थे ना ही अच्छी तरीके से वो दोनों काम कर पा रहे थे। तो अजय और राहुल ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों स्प्लिट शिफ्ट मारेंगे, मींस दोनों बांट के काम करेंगे। कि पहले अजय काम करेगा रात को 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, सॉरी रात के 9 बजे से रात के ही 1 बजे तक अजय पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नोट करेगा, उसके बाद 1 बजे से लेके फिर राहुल सुबह 6 बजे तक करेगा। और जब एक जना काम करेगा तो दूसरा जना टेंट में जाके सो जाएगा। एक्चुअली जहां उनकी जॉब लगी थी ना वो जो एरिया था वहां पे कोई घर वगैरह कुछ नहीं थे, तो उनको एक टेंट मिल गया था। टेंट लगा वगा के सब कुछ करके दिया गया था उनको कि अगर थोड़ा बहुत वो रुकना चाहते हैं तो उस टेंट के अंदर रुक सकते हैं। तो ऐसा ही करते थे, पहले अजय काम पे जाता था और जो राहुल होता था वो 1 बजे तक आराम करता था, फिर 1 बजे के बाद राहुल जाता था, अजय आता था और अजय आराम करता था। ऐसे ही काम उनका ठीक तरीके से चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है, अजय काम पर जाता है, अजय अपना टॉर्च वगैरह लेके जो भी मीटर्स वगैरह होते हैं सब लेके वो चेक कर रहा होता है भाई। और चेक करते करते उसे दिखाई देता है कि झाड़ियों के पास जो है कोई एक बहुत बड़ी सी दीवार है और उस दीवार के पार शायद कुछ है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कि शमशान घाट है वहां पे, उनको ऐसा लग रहा था। अब चीज क्या थी, रात होती थी तो यार वहां जो रात होती थी ना वहां पे गुप्त अंधेरा होता था, बिल्कुल इतना ज्यादा अंधेरा होता था कि आप पास में भी खड़े किसी इंसान को नहीं देख सकते बिना टॉर्च या बिना लाइट के। ठीक है, अब वो जांच कर रहा है तो भाई उसको वो दीवार दिखती है, तो वो सोचता है कि यार चेक तो करूं है क्या। वो दीवार के पार जाके देखता है तो वहां पे उसको शमशान घाट दिखता है। अब शमशान घाट देखने के बाद उसे अचानक से एक थोड़ी सी रोशनी दिखती है कि सामने से कोई व्हाइट कलर का ऊपर से नीचे आदमी मतलब औरत थी वैसे, कोई इंसान चलता हुआ आ रहा है। उसके पूरी बॉडी में कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है और उसकी आंखें जो है वो रेड रेड है। तो अजय सोचता है कि यार इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। तो अजय सोचता है कि जब ये औरत पास में आएगी तो मैं इसे रोक के पूछूंगा। और वो औरत अजय की तरफ को ही आ रही होती है। तो वो जैसे ही अजय की तरफ आ रही होती जैसे ही अजय के बगल से वो गुजरने वाली होती है, अजय उसे आवाज मार देता है, सुनिए आप यहाँ पे क्या कर रही हैं इतनी रात को। तो वो ऐसे करके जा रही होती ना, उसकी गर्दन ऐसे घूमती है यूं करके अजय की तरफ, अजय की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं। अजय उसकी शक्ल देख के इतना डर जाता है, उसकी शक्ल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। बट अजय ने जब उसे दूर से देखा था तो वो जो भयानक शक्ल थी उसकी वो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वो अजय के पास आई तो अजय को उसकी शक्ल भयानक दिखाई दे रही थी बहुत ज्यादा। अजय बहुत ज्यादा डर गया था। अजय कोशिश कर रहा था कि अपने मुंह से बहुत तेज आवाज निकाले और भाग के जाए उसमें टेंट में और राहुल को उठाए, लेकिन अजय मुंह से आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उसकी भावना यही आ रही है कि वो आवाज निकाले, चीखे चिल्लाए, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। और इतने के बाद भी अजय उसे घूरे जा रहा है और वो अजय को घूरे जा रही है। देखते रहे अजय बहुत कोशिश कर रहा है चिल्लाने की, अजय के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो औरत जब ऐसे होती है ना फिर यूं करके फिर से अपना करती है इसे और वो दोबारा से कब्रिस्तान में चली जाती है भाई। अजय एकदम से जैसे ठीक होता है, फिर अजय छोड़ता है टॉर्च और जो भाग के जाता है उसके अंदर टेंट के अंदर और राहुल को जगाता है। राहुल को पूरा घटनाक्रम बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया, तो
राहुल उठ के भाई उसके ऊपर दांत फाड़ने लगता है, हंसने लगता है, वे क्या यार तुम पागल हो, ये है वो है, तुम्हारे मन का कोई वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये है वो है, ऐसे कह दिया। और अजय से बोला कि अजय तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, मैं देख के आता हूँ क्या है मैटर। अजय कहता है कि नहीं भाई तुम अकेले मत जाओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो राहुल खलीफा बनते हैं, राहुल कहते हैं नहीं कोई नहीं मैं जाऊँगा, तुम मत जाओ, मैं चाहता हूँ अकेला देख के आऊंगा। राहुल भी टॉर्च वॉर्च अपना सामान लेते हैं और चल देते हैं भाई। जैसे ही राहुल पहुंचते हैं वहां, तो वो सोचते हैं कि यार मैं भी इसके अंदर ही जाके देखता हूँ शमशान घाट के, यहाँ तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा रहा। और वो पूरे में मतलब टॉर्च वॉर्च मार के अच्छे तरीके से देखता भी है, उसको वहां कुछ भी नहीं दिखता। तो वो यही डिसाइड करता है कि वो भी शमशान घाट के अंदर ही जाएगा। तो फाइनली वो शमशान घाट के अंदर जाता है, थोड़ी देर तक तो उसे वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब भाई जब कुछ नहीं दिखता तो वो सोचता है यार कैसा है ये, अजय सोने के लिए ड्रामा कर रहा था, इसे आज काम नहीं करना था, तो वैसे ही बताया था भाई मैं पूरी रात जग के काम कर लेता, लेकिन झूठ तो ना बोलता कम से कम। इतना बोलने के बाद ही वो व्हाइट कलर की औरत जो थी वो फिर से उसे भी दिखाई देती है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो अजय वाली गलती नहीं दोहराता कि उसको आवाज मार के रोके टोके। वो औरत जैसे ही सामने से आ रही होती है ना, अजय क्या करता है, अजय नहीं सॉरी राहुल क्या करता है, राहुल अपनी आंखें यूं करके बंद कर लेता है कि वो निकल जाएगी तब मैं अपनी आंखें खोलूंगा। आराम से आंखें बंद करे हुए, बंद करे हुए, बंद करे हुए, तो थोड़ा सेकंड बाद वो आंखें खोलता है तो देखता है अरे वो तो चली गई। फिर मतलब वो साइड से देखता है कि अरे वो तो चली गई, कहीं नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही वो अपनी मुंडी थोड़ी सी इधर को करता है भाई, वो बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे खड़ी हुई होती है। उसे देख के वो इतना अचंभा हो जाता है, ऐसे करके पीछे को गिर जाता है भाई। उसे देखता है वो उसकी आंखों में घूरती है, वो भी उसकी आंखों में देख रहा होता है, वो ऐसे करके दांत फाड़ रही होती है उसे देख के, मतलब बहुत शैतानी हंसी हंस रही होती है उसे देख के। तो राहुल की तो टाइट हो जाती है भाई हवा, बहुत ज्यादा डर के मारे राहुल चिल्लाता हुआ भागता है टेंट की तरफ अजय के पास। अजय कहता है ओके, दोनों एक दूसरे को मिल लेते हैं भाई, दोनों की तो फटी गई होती है। अब दोनों क्या करते हैं भाई, जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं अपनी बाइक की तरफ, जहां उनकी बाइक खड़ी होती है। बाइक की तरफ भागने के बाद वो एकदम से बाइक स्टार्ट करते हैं और उस एरिया से भाई वो निकल जाते हैं। वो थे तो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, लेकिन भाई वो इतने ज्यादा काबिल नहीं थे कि वो उससे लड़ सके या उसको क्या कर। भाई वो वैसे भी शैतानी ताकते हैं, और क्या कहते हैं उसको, सुपर पावर्स कह सकते हैं उसे, कुछ भी अननेचुरल शक्तियां जो होती हैं भाई, ऐसा ही था उसमें हिसाब। और वो उससे लड़ थोड़ी सकते थे, वहां से उन्होंने अपनी जान बचा के भागना ज्यादा बेटर समझा, और भाई वो वहां से निकल गए। उसके बाद वो लौट के वहां पे कभी नहीं आए कि कभी उनके साथ कुछ गलत हो भाई। तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग चेंज करवा ली कहीं और वहां उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। यही थी आज की कहानी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। और भाई अगर दूसरा वाला चैनल मेरा मेन चैनल अभी तक चेक नहीं किया है तो जाके वीडियो चेक करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।